कि केंद्र सरकार ने जिस तरह से सरदार पटेल जी का इतिहास मिटाने का काम किया है, केंद्र सरकार को कहीं ना कहीं महंगा पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। आईने में भारत के लौह पुरुष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। नरेंद्र मोदी ने तो भारत को बर्बाद कर दिया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के भारत के ठीक विपरीत अराजक भारत बनाने में जुटे हुए हैं नरेंद्र मोदी। ये तमाम बातें जाप के नेता राजू दानवीर की है। दरअसल स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखने पर राजू दानवीर खूब गरजते नजर आ रहे हैं। एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे और सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। कहा कि जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल से उन्हें कुछ सीख लेना चाहिए, वो भारत के असल मायने में लौह पुरुष है। नरेंद्र मोदी ने तो स्टेडियम का ही नाम अपने नाम पर रख दिया और अब न जाने क्या क्या करेंगे। क्या कुछ और कहना है राजू दानवीर का, किस तरह से देखिए उन्होंने जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है, सुनवाते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का 148वां जयंती समारोह यहां पर मनाया जा रहा है और वैशाली जिला से विभिन्न स्थानों से यहां पर लोग आए हुए हैं। पटेल सेवा सदन और पटेल सेना के द्वारा ये भव्य जयंती समारोह मनाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात, आज मैं इस हाजीपुर की धरती से केंद्र सरकार को बताना चाहूंगा कि केंद्र सरकार ने जिस तरह से सरदार पटेल जी का इतिहास मिटाने का काम किया है, केंद्र सरकार को कहीं ना कहीं महंगा पड़ेगा। गुजरात में एक सबसे बड़ा स्टेडियम का नाम सरदार पटेल स्टेडियम था, उसे कहीं ना कहीं पर नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया। आप चाहते तो नया स्टेडियम बना लेते, सरदार पटेल स्टेडियम का नाम बदलने का क्या क्या वजह था आपको? तो किस तरह से लौह पुरुष हमारे आजाद भारत के प्रथम गृह मंत्री थे, इनको इनका इतिहास किस तरह से केंद्र सरकार ने भुलाने का काम किया। जो सरदार पटेल जी का भारत था आज वो भारत नहीं है। सरदार पटेल जी ने मिजोरम को मणिपुर को मिलाया था, आज मणिपुर जल रहा है और माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री मणिपुर का कोई सुध नहीं है, इनको चुनाव से फुर्सत नहीं है। यदि केंद्र सरकार सही में श्रद्धांजलि देना चाहती है और लौह पुरुष सरदार पटेल जी को सम्मान देना चाहती है तो सबसे बड़ी बात है कि केंद्र सरकार उस मणि जलते हुए मणिपुर को शांत करे और इनके पद चिन्हों पर चलते हुए भारत की एकता अखंडता और संप्रभुता के लिए वो जिए, तब मानेंगे कि आपने सरदार पटेल को सम्मान दिया है। सरदार पटेल को कहीं न कहीं पन्नों में सिमटने का आपने काम किया है, उनके नाम को भेजकर और आपने राजनीति किया है। आज सरदार पटेल की जयंती के मौके पर पूरे बिहार के युवाओं ने एक सूत्र में कहा है कि हम देश के एकता अखंडता संप्रभुता बचाने के लिए चाहे कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। सरदार